नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महात्मा गांधी के इंग्लिश मीडियम के नोट्स, वो भी MPPSC से रिलेटेड। ये नोट्स आपको MPPSC पास करवाने में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले। अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि पुराने नोट्स, मार्केट में पुराने नोट्स बहुत चल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, एकदम अपडेटेड। समझ लो कि एक दो हफ्ते पहले ही बुक ऑन रिलीज हुई है। अब इन नोट्स की प्राइस मैं बता देता हूँ, 3800 हमने प्राइस रखी है, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट 1 फरवरी तक चलेगा, जो रहेगा 3000 रुपये का। 3000 प्लस अगर दूसरी स्टेट से हो, दूसरी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो डिलीवरी चार्जेस अलग। अब 3000 में हम क्या क्या दे रहे हैं वो भी बता देता हूँ। हम पूरा पेपर, 6 ही पेपर देते हैं, 6th पेपर और 5th पेपर अपने आकार का देते हैं, और बाकी के नोट्स इन्हीं के देते हैं, ठीक है। इसमें से आपको एक यूनिट नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने रिलीज नहीं करी। आप चाहे तो पुरानी हम दे सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि जब वो रिलीज करे तब आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं दोबारा। अब पहले पेपर फोर्थ में क्या क्या दिया हुआ है। पेपर फोर्थ में एक ही बुकलेट मिलेगी जिसमें आपको कंप्लीट 5 यूनिट मिल जाएगी, क्योंकि कंटेंट वैसे भी इंग्लिश में बहुत कम मिलता है, बट इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। आप क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी एकदम सही रहेगी। किसी भी रेंडम पेज की आप देख सकते हैं क्वालिटी, डार्कनेस, बाकी सारी चीजें सही रहेगी। आप पेपर 3 की बात करें, पेपर 3 में आपको कौन कौन सी बुक मिलेगी, कौन सी बुकलेट मिलेगी, ये भी बता देता हूँ मैं। पेपर 3 की अगर हम बात करें तो पेपर 3 में आपको 5 बुकलेट मिलेगी, बट साथ में उनके कुछ कुछ यूनिट अलग से भी मिलेगी। जैसे पेपर 3 की पहली और दूसरी यूनिट एक साथ आती है। पहले ऐसा था कि पहली और दूसरी यूनिट अलग अलग आती थी, फिजिक्स अलग आता था, केमिस्ट्री अलग आता था, बट अभी इन्होंने साथ में कर दिया है। आप ऐसा देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये एक साथ कर दी है इन्होंने, फिजिक्स और उसके बाद में ये केमिस्ट्री, दोनों एक साथ कर दी। ये लगभग 184 पेज की ये बुकलेट है, प्रिंट क्वालिटी सही आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पेपर 3 की 1 और 2 यूनिट हो गई, ये 3 यूनिट है, ठीक है। 3 यूनिट और 6th यूनिट एनर्जी वाली, बायोलॉजी वाली, और डिजीज और वैक्सीनेशन, इस टाइप की यूनिट इसी में दी हुई है। जैसे ये 3 यूनिट है, पूरा इंडेक्स कवर है, ये 6th यूनिट है, 6th यूनिट में भी आपको कंप्लीट मिलेगी। फिर इसके बाद में इसे समझाने एक्सप्लेनेशन रहेगा, डायग्राम के द्वारा समझाया है, जैसे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। जैसे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिससे आपको आपकी प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये हो गए 3 और 6, ये 8 और 9 यूनिट के लिए अलग बुकलेट आती है। पेपर 3 के लिए 8 और 9 कौन सी यूनिट आती है अपनी, एनर्जी और इन्वायरमेंट की आती है, कंप्लीट रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं छूटा होगा, डायग्राम और सारी चीजें आप पेपर 3 कि इसमें आपको यूनिट मिलेगी 4-7 और पेपर 1 की पार्ट 2 की यूनिट मिलेगी 5, ये एक साथ कंप्लीट आती है, अलग से नहीं आती। प्रिंट क्वालिटी तो सब में से सेम है, कोई दिक्कत नहीं आती प्रिंट क्वालिटी में। बार बार दिखाना आप देख सकते हैं, बार बार दिखा सकते हैं हम, प्रिंट क्वालिटी कोई इश्यू नहीं आता, ठीक है। तो ये तो हो गया पेपर 3। अब आप पूछेंगे पेपर 3 की आपको 5th यूनिट नहीं मिली है और आपको 10th यूनिट नहीं मिली है, तो इन्हीं बुक में 3rd पेपर की आपको 10th यूनिट मिल जाएगी, वो किसी के साथ अटैच। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 कहाँ पे है? पेपर 1 ये रहा, ठीक है। पेपर 1 में अगर देखें तो पेपर 1 का पार्ट है आपका आता है एंशिएंट मिडाइवल, दोनों साथ में दिया हुआ है। लगभग आपको एंशिएंट और मिडाइवल 382 पेज का मिलेगा, एंशिएंट और मिडाइवल 382 पेज का कंप्लीट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री एकदम कंप्लीट मिलेगी, पूरी कंप्लीट, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 246 पेज की मॉडर्न हिस्ट्री है। ये 3rd यूनिट हो गई पेपर 1 की। अब ये आर्ट और कल्चर और डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश, क्या क्या है डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश में, ये तो रहा आर्ट एंड कल्चर और मध्य प्रदेश की डायनेस्टी, ये एकदम कंप्लीट मिलेगी। अब पेपर 1
पार्ट बी की तरफ बात करते हैं तो ज्योग्राफी की बात आ जाती है अपनी। इंडियन ज्योग्राफी दो पेपर वन पार्ट बी यूनिट टू एंड फोर, इंडियन ज्योग्राफी और वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या दिया हुआ है पूरा कंप्लीट रहेगा, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं छूटी है, एकदम आप कंप्लीट देख सकते हैं, प्रिंट क्वालिटी बाकी सारी चीजें। अब इसमें पेपर आपको पेपर वन की यूनिट मिल जाएगी। पेपर टू की बात करें तो पेपर टू की यूनिट वन और टू, पेपर वन यूनिट वन और टू ये कंप्लीट रहेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या आता है पेपर वन और टू, इंडियन पॉलिटी आता है और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज आता है और बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई। अब पेपर वन पार्ट बी यूनिट थ्री ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, पेपर टू पार्ट बी यूनिट टू ये भी कंप्लीट आपको मिल जाएगा। पेपर टू पार्ट बी का तीन चार और पाँच ये भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप हमारी शॉप पे विजिट करना चाहते हैं तो मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर का फायदा उठाएं वरना प्राइस बहुत हाई होने वाले हैं, इनके प्राइस वैसे भी हाई है। और एक और चीज से आपको वाकिफ करवाता हूँ, मार्केट में पुराना सेट बहुत चल रहा है, उससे सावधान रहे, वो कृपया ना खरीदे, क्योंकि अगर अपडेटेड आ गया है तो पुराने लेके क्या फायदा। उसकी मैं और आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ही आप देखोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैंने पेपर थर्ड डे की बात करी थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी जिसके भी पास पुराना सेट रहेगा उसके पास फिजिक्स अलग रहेगा केमिस्ट्री अलग रहेगा, तो आप समझ जाना ये पुराना सेट है, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल करी थी। अब पांचवा और छठवा पेपर हम देते हैं आकार एकेडमी का, आप चाहो तो फिफ्थ पेपर मैं आपको उसका दे सकता हूँ महात्मा गांधी का, बट मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर अपना उसी का रखे आकार का बेस्ट है, ठीक है। यही था आज की वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।